गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द सम वी विल डू नाउ. जोश एंड आशीष लिमिटेड वेर अमालगमेटेड ऑन एंड फ्रॉम 1st April 2017, अ न्यू कंपनी नेमली शिल्पा लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ जोश लिमिटेड एंड आशीष लिमिटेड. Summary balance sheet as on 31st March 2017. Equity share capital 100 rupees ka shares hai. 4 lakh 3 lakh 75,000. When we divide by 100, we get 4,000 shares and 3750 shares. 12% preference shares of rupees 100 each fully paid. 1 lakh 50,000. 1 lakh. General reserve 85,000, 75,000. Profit and loss account, statutory reserve. 10% debentures of rupees 100 each. Creditors, bills payable. So in the asset side, we have land and building, plant and machinery, computers, stock, data, bill receivable, and bank balance. Now the additional information. Shilpa Limited issued 5 equity share for each equity share of Josh Limited. So, हर एक equity share के लिए Shilpa Limited ने Josh Limited को 5 equity shares दिया and 4 equity shares for each equity share of Ashish Limited. मीन जोश लिमिटेड के सिंगल शेयर को शिल्पा लिमिटेड ने अपने कंपनी का 5 इक्विटी शेयर दिया एंड आशीष लिमिटेड के एक सिंगल शेयर को 4 इक्विटी शेयर्स दिया. द शेयर्स आर ऑफ 40, द शेयर्स आर ऑफ 10 रुपीज 10 ईच. द शेयर्स आर ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट रुपीज 30, मतलब 20 रुपीज का प्रीमियम है. द शेयर्स आर सोल्ड फॉर दे आर इशूड फॉर 30 रुपीज, जिसमें से फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो प्रीमियम रहेगा 20 रुपीज. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी एट रुपीज 150 पर शेयर. फेस वैल्यू है 100, मतलब 50 रुपीज का प्रीमियम है. नंबर सेम रहेगा बट इट विल बी इशूड एट 150, 100 रुपीज फेस वैल्यू एंड 50 रुपीज प्रीमियम. मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी. नंबर्स विल बी सेम बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज हाउ मच. Now it is 15, earlier it was 12%, and the price is 150. The shares are issued at 150 rupees per share, jisme face value 100 hai, to 50 rupees ka premium hai. 10% debenture holders of Josh Limited and Ashish Limited are discharged by Shilpa Limited issuing such number of its 15% debenture of rupees 100 each so as to maintain the same amount of interest. So same amount of interest maintain करना है, मतलब जितना 10% interest, 10% debenture holders को जितना interest पहले मिलता था जोश आशीष लिमिटेड में, उतना ही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उनको 15% डिबेंचर्स में भी मिलना चाहिए. सो दिस इन दिस पॉइंट दे से जो जोश लिमिटेड एंड आशीष लिमिटेड में 10% डिबेंचर्स थे, अब उनको शिल्पा लिमिटेड में 15% डिबेंचर्स मिलेगा. बट देर इज वन कंडीशन, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शुड रिमेन द सेम. जहाँ पे पहले उनको जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, अमाउंट मीन्स रुपीज ऑफ इंटरेस्ट शुड रिमेन द सेम. जितना पहले अमाउंट मिलता था इंटरेस्ट का, अभी 15% डिबेंचर्स में भी उतना ही अमाउंट मिलना चाहिए, उतना ही अमाउंट मिलना चाहिए इंटरेस्ट का. सो दैट वी विल सी हाउ टू डू दैट वेन स्टार्टिंग विद द सम.
the Shilpa Limited revalued the following assets taken over from Josh Limited and Ashish Limited. Sab assets ka naya value diya hai. You are required to compute purchase consideration journal entries in the books of Shilpa Limited. मतलब purchasing company के book में journal entry pass करना है and then finally balance sheet of Shilpa Limited after amalgamation. So let us start with the purchase consideration. सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन. लेट मी प्रिपेयर, दोनों कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं दो अमाउंट का कॉलम बना लेती हूँ. यहाँ पे दोनों कंपनी को क्या मिलने वाला है वो दिया है. मतलब दिस इज एक्चुअली नेट पेमेंट मेथड, बिकॉज कैसे पीसी डिस्चार्ज होगा ये दोनों का दिया हुआ है. सो यहाँ पे दो कंपनी को क्या मिल रहा है, जोश को एंड आशीष को. सो यहाँ पे दोनों है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. पहले देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाला है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को शिल्पा लिमिटेड ने क्या किया, इशूड 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ जोश लिमिटेड. मतलब पहले जोश लिमिटेड का करते हैं, एक इक्विटी शेयर के लिए, एक इक्विटी शेयर के लिए कितना शिल्पा लिमिटेड दे रहे, एक इक्विटी शेयर के लिए शिल्पा लिमिटेड 5 इक्विटी शेयर दे रहा है. एक इक्विटी शेयर के लिए 5 इक्विटी शेयर. पहले देखते जोश लिमिटेड में कितना इक्विटी शेयर है. 4 लाख डिवाइड बाय 100 करो, 2 जीरोस कैंसल हो जाएगा, तो 4000 शेयर्स है. एक शेयर के लिए 5 शेयर, तो 4000 के लिए कितना मिलेगा, 4000 के लिए कितना मिलेगा क्वेश्चन मार्क. डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4000 इंटू 5, 4000 इंटू 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 4000 इंटू 5 20000, 4000 इंटू 5 20000 करेक्ट, 20000 इक्विटी शेयर कितना, 10 रुपीज का 30 रुपीज में मिलेगा, ऑफ रुपीज 10 each issued at rupees 30. तो करो 20,000 into 30, 20,000 into 30 करो. जहाँ पे एक इक्विटी शेयर था जोश लिमिटेड में, उसके बदले में शिल्पा लिमिटेड वॉज गिविंग दम 5 इक्विटी शेयर, तो टोटल देर वर 4000. तो 4000 इंटू 5 मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, डिवाइड बाई 1 करोगे तो भी सेम आंसर ही मिलेगा. सो वी आर गेटिंग 20,000. सो 20,000 इंटू 30 तो हमें यहाँ पे मिला, 6 लाख, यहाँ पे मिला 6 लाख. अभी सेम वे हमें करना है फॉर आशीष लिमिटेड. तो आशीष लिमिटेड का क्या है, 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ आशीष लिमिटेड. एक इक्विटी शेयर के बदले में एक
चार इक्विटी शेयर मिलने वाला है, एक इक्विटी शेयर के बदले में चार इक्विटी शेयर मिलने वाला है। तो जरा देखो आशीष लिमिटेड में टोटल इक्विटी शेयर कितना है, दो जीरो कैंसल करो डिवाइड बाई 375,000 डिवाइड बाई 100 फाइव इक्विटी शेयर ये कितना होता है डिवाइड बाई 100 किया 3750 आता है ना, 375,000 डिवाइड बाई 100 तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऊपर बोला गया क्लियरली दैट शिल्पा लिमिटेड इशूड फाइव इक्विटी शेयर। फाइव इक्विटी शेयर किसको दे रहे, जोश लिमिटेड के एक शेयर को, और फोर इक्विटी शेयर किसको दे रहे, आशीष लिमिटेड के एक इक्विटी शेयर को। तो आशीष लिमिटेड में टोटल 3750 इक्विटी शेयर है, 3750 इक्विटी शेयर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होता है 3750 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 भी कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा 3750 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड at how much issued at ₹30 issued at ₹30। So ये कैसे पता मुझे, the shares of ₹10 each issued at ₹30 दिया हुआ है, ₹20 प्रीमियम है, तो ये आशीष लिमिटेड का है, तो मैं आशीष लिमिटेड में लिखती हूँ 4,50,000। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना है फॉर, क्योंकि दोनों कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्वेश्चन में दिया है प्रेफरेंस शेयर ऑफ बोथ द कंपनी आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15%, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 4,50,000। 15,000 ₹10 का शेयर ₹30 में, 15,000 इंटू 30 यू विल गेट 4,50,000। So, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी एट ₹150 पर शेयर। तो यहाँ पे देखो कितना नंबर है, 1,50,000 डिवाइड बाय 100 इट इज 1,500, 1,00,000 डिवाइड बाय 100 इट इज 1,000। सो नंबर सेम रखना है, नंबर हमें सेम रखना है, सो वी विल कम फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यहाँ पे 1500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100, या मैं यहाँ पे डायरेक्टली 150 रखती हूँ, अगर तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इधर फेस वैल्यू तुम लोग को नहीं बताती हूँ, बट फेस वैल्यू नहीं इशू वैल्यू में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ₹100 का है प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 100 ईच, बट इशूड एट ₹150। 100 रुपए का चीज नया कंपनी ने 150 में दिया,
तो 1500 इनटू 150 करो, हाउ मच यू आर गेटिंग? 1500 इनटू 150 यू आर गेटिंग 225,000. 225,000. यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 20,000 इंटू 30 किया, क्योंकि इशू डेट 30 है. चीज कितने का भी रहने दो, इशू कितने में किया उससे मल्टीप्लाई करना है. सेम वे ऊपर, मतलब 100 का चीज 150 में दिया, मतलब 50 रुपीज इज द प्रीमियम. सेम वे 1000 प्रेफरेंस शेयर साथ दे दिन आशीष लिमिटेड, तो वो प्रेफरेंस शेयर को 100 रुपीज का ईच का इशू होने वाला है एट रुपीज 150. तो 1000 इंटू 150 विल बी इक्वल टू 1,50,000. अब ऐड करेंगे तो हमें पीसी मिल जाएगा, पीसी वी विल गेट द पीसी. वी गॉट द पीसी. अभी ऐड करो टोटल पीसी के लिए, टोटल पीसी ये एक पूछा. This is done. So this total PC is coming to 825,000 of Josh and 6 lakh of Ashish. So अभी हमसे पूछा है after purchase consideration is journal entries. So journal entries in the books are Shilpa Limited. Shilpa Limited, serial number, particulars, rupees. Amount का column adjust कर लेते हैं. So serial number, particulars, rupees. पहला एंट्री हमेशा बिजनेस परचेज का रहेगा, पहला एंट्री हमेशा विल बी फॉर बिजनेस परचेज. तो कितना बिजनेस परचेज किया है, ये प्योर अमालगमेशन का क्वेश्चन है. दो कंपनीज बंद होके नया एक थर्ड कंपनी स्टार्ट हो रहा है, लिक्विडेटर्स ऑफ जोश लिमिटेड टू लिक्विडेटर्स ऑफ आशीष लिमिटेड. दो कंपनीज बंद हो रहा है, कितना पीसी है दोनों का, एक का 825,000 और दूसरे का 6 lakh. ऐड करो दोनों को, हाउ मच यू विल गेट? 14,25,000 being business purchased. इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक ओवर ऑफ असेट्स. तो पहले तो जोश का लेंगे, फिर आशीष का लेंगे. तो सबसे पहले जितना भी असेट्स है वो ले लेते हैं. तो असेट्स इधर है हमारे पास, रिवाइज वैल्यू भी है उनका. तो सब असेट्स को हमने ऐड किया, इधर लिख लेते हैं. हाँ गया, इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी, ये सब डेबिट है ना, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट ऑल्सो डेबिट, दिस अकाउंट ऑल्सो डेबिट.
सो इनका सब वैल्यू रिवाइज वैल्यूज भी दिया है, तो उसको भी कॉपी कर लो जोश लिमिटेड का। जोश लिमिटेड के अकाउंट अमाउंट को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कोई असेट बचा है क्या? देखो बैलेंस शीट में कोई असेट जिसका नया वैल्यू नहीं दिया हो। लैंड प्लांट कंप्यूटर स्टॉक डेटर, पर यहाँ पे और अभी भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का दिया है, बट बिल्स पेबल और बैंक का नया वैल्यू नहीं दिया, तो हम ओल्ड वैल्यू लेंगे। अगर न्यू वैल्यू नहीं दिया मतलब हम ओल्ड वैल्यू लेंगे। इसका भी सब असेट्स ले लो, क्या है? 2 है 90 एंड 60, 90,000 एंड 60,000, 7 राइट, 90,000 एंड 60,000। इसके बाद अब क्या करेंगे? टू सब लाइबिलिटीज लिखना है। लेट अस सी व्हाट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर दैट। दिस इज द सम ऑफ टेक ओवर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो असेट्स तो लिख लिया, ये सब सब इंटरनल है। डेटर है, सॉरी डेटर बोल रही हूँ, डिबेंचर है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। तो ये तीन को कॉपी कर लेते हैं। ये तीन हमारे पास लाइबिलिटीज है, तो ये तो मुझे सिर्फ डिबेंचर्स लिखना। आई डोंट वांट टू राइट फीस वैल्यू एंड ऑल। क्रेडिटर्स और एक लाइन में चाहिए। ओके, तो अभी इनका वैल्यूज भी तो दिया है, वो लेते हैं, फिर उसके बाद रिवाइज वैल्यू लिखते हैं जिसका भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे रिवाइज वैल्यू डेटर्स का दिया है, रिवाइज वैल्यू डेटर्स का दिया है, डेटर्स बोलू डिबेंचर्स का दिया है, नया वैल्यू डिबेंचर्स का दिया है। सो यहाँ पे देखो 10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ जोश लिमिटेड एंड आशीष लिमिटेड आर डिस्चार्ज्ड बाय शिल्पा लिमिटेड बाय इशूइंग नंबर ऑफ 50 सच नंबर ऑफ 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें सेम मेंटेन करना है। सो हम वर्किंग नोट में जाते हैं। वर्किंग नोट में यहाँ पे डिबेंचर्स का वैल्यू कितना है? 10% डिबेंचर्स इज इक्वल टू 30,000। अब इसका इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट कितना होगा? 30,000 इंटू 10% विच इज इक्वल टू ₹3,000। अब ये लोग बोलते हैं जब शिल्पा लिमिटेड ये डिबेंचर को टेक ओवर करेगी तो उसके बाद भी इंटरेस्ट जो है वो 3,000, द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट शुड रिमेन द सेम। द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आगे जाके 10% डिबेंचर के बदले में 15% डिबेंचर मिलेगा, बट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी मेंटेन्ड। जो इंटरेस्ट अभी मिल रहा है टेक ओवर के बाद भी सेम इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर ये 3,000 15% इंटरेस्ट है,
अगर ये 3,000 ये 15% इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए वो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कौन से अमाउंट पे इतना परसेंट इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें ये 3,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर ये 15% है तो अभी हमें क्या करना है, हमें 100% निकालना है, मतलब हमें वो अमाउंट निकालना है जिसके ऊपर हम 15% इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें 3,000 मिलेगा। 15% इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें 3,000 मिलेगा। वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क, सॉल्व इट। 3,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15, करो जरा इसको, इसको मुझे थोड़ा इधर लेना है। क्या क्या अमाउंट आ रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या अमाउंट आ रहा है? इट इज कमिंग 20,000। जरा क्रॉस चेक करने के लिए 20,000 का 15% निकालो, 20,000 का 15% निकालो, 20,000 का 15%, यू आर गेटिंग 3,000। मतलब जैसे इन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, वी विल 10% डिबेंचर होल्डर्स को हम 15% डिबेंचर्स देंगे, लेकिन जो द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 10% में जो इंटरेस्ट मिल रहा था 15% डिबेंचर में भी हमें उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, हम उतना डिबेंचर्स का अमाउंट रखेंगे। तो हमें मिल गया, हमें नया वैल्यू मिल गया डिबेंचर्स का, तो नया वैल्यू डिबेंचर्स का कितना है, 20,000। दिस इज वर्किंग नोट वन। तो इसके हिसाब से हमें मिल गया। अभी एक और चीज हम इधर लिखते हैं, टू बिजनेस परचेज। अब देखो ये टैली हो रहा है क्या, टू बिजनेस परचेज, ये हमारा कुछ नहीं बट हमारा पीसी का अमाउंट है। जोश लिमिटेड का पीसी कितना है, 8,25,000। दिस हाउ मच, 8,25,000। नाउ टैली इट, आपको किधर डिफरेंस मिल रहा है, आपको डेबिट में डिफरेंस मिल रहा है, टैली करते हैं तो किधर डिफरेंस मिल रहा है, हम देख रहे हैं दैट आवर क्रेडिट अमाउंट इज हैवी। जब हमने ये डेबिट और क्रेडिट को ऐड किया तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा क्रेडिट का अमाउंट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल जो हमने टू डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल पेबल और बिजनेस परचेज ये सबको ऐड किया तो हमें मिलता है 9,25,000, 10,35,000, 10,55,000। इधर मिलता है 10,55,000 और ये सबको ऐड करके मिलता है 10,00,000। ये सबको ऐड करके मिलता है 10,00,000, क्रेडिट साइड में 10,55,000, डेबिट साइड में सिर्फ 10,00,000। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें डेबिट में मिल रहा है, वो डिफरेंस को हम बोलेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। सो ये बैलेंसिंग फिगर है कितने का, 55,000 का, 55,000। दिस बैलेंसिंग फिगर इज 55,000। तो इसके साथ हमारा जोश लिमिटेड का असेट्स एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर करके हो गया, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर करके हो गया। अब इसका नरेशन भी वही लिखेंगे, बीइंग assets and liabilities of Josh Limited taken over। अब same way हमें करना है, किसका same way we will do third entry में, हम same way किसके assets को take over करेंगे,
ये गुडविल तो बैलेंसिंग फिगर था तो उसको कॉपी नहीं करेंगे, बाकी सब असेट्स को उस और बाकी सब लाइबिलिटीज को भी कॉपी करेंगे। लाइबिलिटीज को भी कॉपी किया तो अभी हम लोग को अमाउंट कौन सा चाहिए? रिवाइज अमाउंट इधर दिया हुआ है आशीष लिमिटेड का, तो वो इधर लिखेंगे। और बिल रिसीवेबल और बैंक का ओल्ड वैल्यू है बिकॉज न्यू वैल्यू नहीं दिया, तो ये लिखेंगे कॉपी करके। फिर इसके बाद हमारे पास तीन लाइबिलिटीज का 15,000, 70,000, 25,000 यहाँ पे लिखेंगे। और बिजनेस परचेज कितना है, पीसी कितना है, 6 लाख। और यहाँ पे डिबेंचर का नया वैल्यू निकालना है तो उसके लिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट वर्किंग नोट। 10% डिबेंचर्स, क्या ये कितना है? 15,000। अभी क्या करना है? 15,000 तो इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है 15,000 इंटू 10% विच इज इक्वल टू ₹1,500। अभी हमें यही इंटरेस्ट को मेंटेन करना है। अगर ये 1500 15% है तो 100% कितना रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। को ये पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो ये अमाउंट कितना रहेगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। 1500 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 कितना आ रहा है? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो कितना अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है। हाउ मच आर यू गेटिंग? 10,000 आ रहा है। 1 लाख नहीं, इट इज 10,000। वॉट अमाउंट यू आर गेटिंग? 10,000। 10,000 का 15% निकालो तुमको यही आंसर आएगा 1500। मतलब नया वैल्यू क्या है? नया वैल्यू डिबेंचर का है 10,000। अभी फिर से दोनों को टैली करो, देखो कौन सा साइड हैवी है, डेबिट हैवी है या क्रेडिट हैवी है। दिस इज 6,70,000 प्लस 25,95, 7,95,000, 8,05,000 इधर आ रहे, 8,05,000। और यहाँ पे कितना आ रहे? यहाँ पे आ रहे 8,30,000। ये सबको ऐड किया ना तो आ रहे 8,30,000, 7,10,000 आ रहे इधर, और इधर आ रहे 7,30,000। मतलब हमारा असेट ज्यादा है तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट में उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। चेक करो आप लोगों को भी ये आ रहा है 25,000। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बोलेंगे कैपिटल। क्रेडिट में कभी बैलेंसिंग फिगर आया तो वो कैपिटल रिजर्व है, डेबिट में कभी बैलेंसिंग फिगर आया तो वो गुडविल है। तो ये सब में हमने दोनों चीज देख लिया तो यहाँ पे बोलेंगे बी असेट्स एंड
liabilities of Kansa Limited, Ashish Limited taken over. ये मुझे नहीं चाहिए बोल्ड में, तो विल रिमूव द बोल्ड. तो यहाँ पे भी तो दिस इज ऑल्सो डन. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज. तो ये जो लिक्विडेटर्स है ना, यहाँ पे लिक्विडेटर जो क्रेडिट में है इसको भी कैंसल करना है. सो लिक्विडेटर्स ऑफ जोश लिमिटेड, क्रेडिट का ऑपोजिट. अब इसको कैंसल करना है तो डेबिट में क्या मिल रहा है, 8,25,000. और इनको क्या दे रहे हैं हमने, इनको कैसे, हाउ द पीसी वॉज सेटल्ड, इनको इक्विटी शेयर कैपिटल मिला. इनको क्या मिला, जोश लिमिटेड को इक्विटी शेयर कैपिटल मिला. इनको 15%, इसे करेक्ट 15% ही है ना. प्रेफरेंस शेयर कितना मिला, प्रेफरेंस शेयर वॉज 15%. प्रेफरेंस शेयर्स तो यहाँ पे इनको मिला इक्विटी शेयर, और इनको मिला 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और जो प्रीमियम मिला है वो प्रीमियम हम बताएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. तो लेट अस गो टू द पीसी एंड सी द नंबर ऑफ शेयर्स. तो इधर सबसे पहले कितना नंबर ऑफ शेयर है, 20,000 30 रुपीस में दिया. तो 20,000 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल. और यहाँ पे प्रीमियम कितना है, 20,000 इंटू 30 रुपीस में दिया है. 10 रुपए का शेयर 30 रुपीस में दिया, मतलब 20 रुपीस का प्रीमियम है. फिर सेम वे प्रेफरेंस शेयर का क्या हाल है, 1500 जो जोश को दिया, 1500 इंटू 150 जिसमें शेयर का वैल्यू 100 रुपीस है. तो यहाँ पे लिखेंगे 1500 इंटू 100 शेयर का. और इधर प्रीमियम जो है वो प्रीमियम में अलग से लिखेंगे 1500 इंटू 50. तो जरा देखो ऐड करके लिखो इधर, 20,000 इंटू 10 इज 2,00,000, 1500 इंटू 100 इज 1,50,000. अब 20,000 इंटू 20, 20,000 इंटू 20 इज 4,00,000. और 1500 इंटू 50 75,000. तो ये होता है 4,75,000. तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिला 4,75,000 का. इसको बोलेंगे बीइंग पीसी सेटल्ड. सेम वे अभी हमें एक और पीसी, दैट इज लिक्विडेटर्स ऑफ आशीष लिमिटेड का पीसी को भी सेटल करना है. तो आशीष लिमिटेड का पीसी कितना है, इट इज 6,00,000. सो लिक्विडेटर्स ऑफ, सॉरी इधर मैंने रॉन्ग, लिक्विडेटर्स ऑफ लिक्विडेटर्स लिमिटेड लिखा है, इधर क्या लिखना था, आशीष लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ आशीष लिमिटेड. लिक्विडेटर्स ऑफ आशीष लिमिटेड, लेकिन ये 2 नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, लिक्विडेटर्स ऑफ आशीष लिमिटेड अकाउंट डेबिट. और यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट है पीसी का, इट इज 6,00,000. अब ये कैसे सेटल किया, 3 चीजों से सेटल किया है,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिला, और टू इनको भी 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना है, इक्विटी शेयर 15,000 है 30 का, और प्रेफरेंस शेयर है 1,000 जो 150 में दिया है 100 रुपीस का शेयर होने पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है इधर 3750 इंटू 10, और यहाँ पे है 1000 इंटू 100, और यहाँ पे है 3750 पे 20 रुपीस का प्रीमियम कलेक्ट किया, और 1000 प्रेफरेंस शेयर में 50 रुपीस का प्रीमियम कलेक्ट किया। तो कितना हो गया 3750 इंटू 10 में 3750 ही है ना नंबर ऑफ शेयर, सॉरी नॉट 3750, इट इज 15,000, आई एम वेरी सॉरी, इट इज 15,000 इक्विटी शेयर्स, नॉट 3750, इट इज 15,000, वेरी सॉरी 15,000, तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, इट इज 15,000, और इधर भी आ जाएगा 15,000, 15,000 इंटू 10 इज 1,50,000, 1,000 इंटू 100 इज 1,00,000, एंड 15,000 इंटू 20 इज 3,00,000, एंड 1,000 इंटू 50 इज 50,000, सो दिस इज 3,50,000। इसको बोलेंगे बीइंग पीसी सेटल्ड या बीइंग परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड, ये भी हो गया। अब इसके बाद देखते कोई डिबेंचर्स को सेटल करना है, तो ओल्ड डिबेंचर को कैंसल करके, ओल्ड डिबेंचर को कैंसल करके नया 15% डिबेंचर क्रिएट होने वाला है। देखो 10% डिबेंचर्स के बदले में 15% डिबेंचर क्रिएट होने वाला है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने 10% डिबेंचर्स लिखा है, सो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 120,000, और दूसरा 10% डिबेंचर है 10,000 का, सो ये दोनों डिबेंचर कैंसल होके 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट दो कंपनी का है, एक जोश का 20,000 और आशीष का 10,000, इनके बदले में ये दोनों कैंसल होके क्रिएट होगा 15% डिबेंचर्स। ये कौन से लिमिटेड में, शिल्पा लिमिटेड में, ये न्यू है, तो ये दोनों को ऐड करके हमने अमाउंट तो ऑलरेडी चेंज कर लिया है, सिर्फ हमने ये 10% डिबेंचर्स को कैंसल करके 15% डिबेंचर करना, बीइंग डिबेंचर होल्डर सेटल्ड, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स सेटल्ड, ये हो गया। अभी स्टैचुटरी रिजर्व्स भी है, तो स्टैचुटरी रिजर्व्स क्या है हमारे पास, स्टैचुटरी रिजर्व क्वेश्चन में देखो, स्टैचुटरी रिजर्व है
उसको अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में आना चाहिए, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व है 1,75,000, ये हमें फिर से मेंटेन करना है, तो कौन सा रिजर्व क्रिएट करेंगे उसको मेंटेन करने के लिए? उसको मेंटेन करने के लिए हम क्रिएट करेंगे अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, ये बैलेंस शीट में नेगेटिव फिगर दिखाएंगे टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 1 लाख प्लस 75,000 विच इज 1,75,000 स्टैट्यूटरी रिजर्व maintained reserve maintained. इसके बाद लास्ट एक एंट्री है जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ एंट्री. सेट ऑफ एंट्री कब करते हैं? जब क्वेश्चन में गुडविल भी है और कैपिटल रिजर्व भी है. देखो ये क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व इज फॉर 25,000 एंड गुडविल इज फॉर 55,000. अब ये दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 55,000. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो छोटा अमाउंट है उसको कैंसिल कर देंगे. या तो गुडविल होना चाहिए, या तो अब दोनों कंपनी एक हो रहे हैं, या तो गुडविल होना चाहिए या तो कैपिटल रिजर्व होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 55,000 और 25,000 में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट छोटा है तो पूरा 25,000 कैंसिल करेंगे. तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में है, कम करेंगे तो डेबिट होगा. कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और उतना ही कम करेंगे गुडविल. गुडविल भी 25,000 से कम हो जाएगा. तो यहाँ पे ये दोनों कम हो गया. कैपिटल रिजर्व तो अभी बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं क्योंकि हमने पूरा कैंसिल कर दिया, और गुडविल भी 55,000 में 25,000 कैंसिल करके रिमेनिंग अमाउंट से बैलेंस शीट में लिखेंगे. तो दिस इज बीइंग द अमाउंट सेट ऑफ, बी द अमाउंट्स सेट ऑफ, अमाउंट्स सेट ऑफ, being the amounts set off. With this all the entries are done. So now we will do the balance sheet. Prepare balance sheet of Shilpa Limited after amalgamation. So in the books of Shilpa Limited, balance sheet as on 31st, yeah, when is the amalgamation taking place? See the date, question mein diya rahega. Kabhi take over hua? 1st April 2017. So yahan pe likhenge as on 1st April 2017. So balance sheet company's format में करना है. So ये amount के लिए, ये notes to account के लिए, और ये particulars. So particulars, notes to account and rupees. So इसमें first one इसको बोलेंगे equity and liabilities. Equity and liabilities में number one में equity को बोलते हैं shareholders fund, and shareholders fund में आता है share capital और reserves and surplus. तो यहाँ पे हमें note number one and two बनाना पड़ेगा, one and two. So either notes to account में पहला note to account है share capital का. तो share capital में
इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है. सो इक्विटी पहले लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल. तो कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है जरा देखो, कितना नंबर्स है हमारे पास. दो एंट्री है इधर, जोश लिमिटेड को 20,000 दिया, आशीष लिमिटेड को 15,000 दिया. तो 20 + 15 इज हाउ मच, 20 + 15 = 20,000 + 15,000 विच इज इक्वल टू 35,000. सो 35,000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच, ये हो जाएगा 3,50,000. फिर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर तुम लोग को याद है तो 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है, और कितना है 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और जोश में 1500 है और आशीष में 1000, तो दोनों को ऐड किया तो टोटल हो गया 2500 × 100, ये हो जाएगा 2,50,000. ये हो जाएगा 2,50,000. अब दोनों को ऐड करो, 3,50,000 और 2,50,000 कितना होता है 5,00,000, 6,00,000. तो हमारा दो शेयर कैपिटल का टोटल हो जाएगा 6,00,000. इसके बाद हमें चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो कौन सा रिजर्व है, यही सब एंट्री में देखना पड़ेगा. गुडविल रिजर्व नहीं है. रिजर्व हमारे पास, वैसे तो हम कोई रिजर्व नया कंपनी लेता ही नहीं है. कैपिटल रिजर्व जो था वो तो पूरा सेट ऑफ कर दिया इधर, तो वो भी नहीं है. सिक्योरिटी प्रीमियम है 4,75,000 और 3,50,000. तो यहाँ पे हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम है. हाउ मच सिक्योरिटीज प्रीमियम, इट इज 4,75,000 प्लस 3,50,000. ऐड करो दोनों को, कितना होता है 4,75,000, इट इज 8,25,000 बराबर. इसके अलावा हमारे पास और कौन सा रिजर्व है, हमारे पास स्टैचुटरी रिजर्व है. जो हमने अभी लिया स्टैचुटरी रिजर्व है 1,75,000 का, चाहिए तो ऊपर एंट्री देखो. स्टैचुटरी रिजर्व का हमने सेकेंड लास्ट एंट्री किया, स्टैचुटरी रिजर्व 1,75,000. और हमारे पास है अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व. ये भी है, नेगेटिव फिगर है ये 1,75,000. तो ये दो पूरा करने के बाद हमारे पास बचता है 8,25,000. सो इधर लिखेंगे 8,25,000. फिर हमें चाहिए बी, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास 15% डिबेंचर्स है. इसको हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म बोरोइंग करके दिखा सकते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 20 and 10, दिस इज इक्वल टू 30,000. फिर हमारे पास चाहिए, क्या चाहिए, करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज देखो कितना है. करंट लाइबिलिटीज में असेट्स एंड लाइबिलिटी टेक ओवर किया है. देखो क्रेडिटर दोनों में हमारे पास है क्रेडिटर एंड बिल पेएबल 70,000, 25,000 और 70,000, 25,000. ये आशीष का है और हमारे पास जोश का है. जोश का कितना है 1,00,000 एंड नीचे आ गया 1,00,000
ये अमाउंट को नीचे लाना है, 1,10,000 and 1,00,000, तो ये पूरा हमें ऐड करना है तो ही हमें मिलेगा टोटल ट्रेड। तो हमें इधर नोट्स टू अकाउंट में जाना पड़ेगा, नोट नंबर टू, अभी नोट नंबर थ्री, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में दो चीज चाहिए, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो कितना अमाउंट है, क्रेडिटर एक में है 1,10,000 और दूसरे में है 70,000, दूसरे में है 70,000। सेम वे बिल पेबल जो है एक में है 1,00,000 और दूसरे में है 25,000। तो ये दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है, 1,80,000 और ये है 1,25,000। दोनों को ऐड करो 1,80,000 and 1,25,000, यू विल गेट 3,05,000। तो यहाँ पे देखेंगे 3,05,000। तो इसके साथ हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया टोटल। फिर हम लोग आते हैं असेट्स में। असेट्स में हमें चाहिए सबसे पहले नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में हम लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये दो टाइप का है, टैंजिबल और इंटैंजिबल। इंटैंजिबल में तो हमें पता है सिर्फ गुडविल है। गुडविल भी कैसा था, 55,000 में से हमने 25,000 सेट ऑफ कर दिया है। तो इंटैंजिबल असेट में हमारे पास गुडविल है वो कितने के लिए, 30,000 के लिए। एंड टैंजिबल असेट्स हमें निकालना पड़ेगा। टैंजिबल असेट्स के लिए हमारे पास क्या है जरा देखो, टैंजिबल असेट में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये हमें दोनों कंपनी का ऐड करना है। तो लेट मी डू दैट। आई विल डायरेक्टली सी फ्रॉम द क्वेश्चन एंड देन आई विल ऐड। सो यहाँ पे हमारे पास टैंजिबल असेट्स चाहिए हमें। टैंजिबल असेट्स में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, फिर हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, फिर हमारे पास है कंप्यूटर्स। तो दोनों का कितना है हमारे पास, दोनों का, सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, इट इज 4,00,000 प्लस दूसरे में है 2,00,000। सेम वे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 प्लस आशीष में है 1,50,000। फिर सेम वे प्लांट एंड मशीनरी के बाद कंप्यूटर 70,000 and 10,000। 70,000 प्लस 10,000, अब ये तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 6,00,000। फिर ये दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 2,70,000। और ये दोनों को ऐड करो ये हो जाएगा 80,000। अब ये तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करके इट विल बी 9,50,000। सो हम लोग इधर लिखेंगे 9,50,000। ये हमारा है फोर्थ नोट। इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बी आता है करंट असेट। करंट असेट में हमारे पास क्या है, करंट असेट में हमारे पास क्या है, थोड़ा एक बार देख लेंगे।
करंट असेट में हमारे पास स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है और बैंक बैलेंस है. स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल और बैंक बैलेंस. तो यहाँ पे आई विल राइट स्टॉक को इन्वेंट्रीज, बिल रिसीवेबल को और डेटर को ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो डेटर, सॉरी पहले इन्वेंट्री देखते हैं, इन्वेंट्री और कैश बैलेंस देखते हैं दोनों का कितना है. इन्वेंट्री है 150,000 और 80,000, 150,000 और 80,000. सो कितना होता है 150,000 प्लस 80,000 विच इज इक्वल टू 230,000. अभी कैश एंड इक्विवेलेंट का देख लेते हैं. कैश 60,000, कैश 80,000. 60, 80 ऐड करना है तो इधर लिखेंगे डेटर में, क्योंकि बिल रिसीवेबल भी है ना, इसलिए वो मैं बाद में करती हूँ. 60 and 80,000 is 140,000. अभी हमें नीचे जाना पड़ेगा. ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज है, ट्रेड रिसीवेबल इसमें दो चीज है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल. तो डेटर एंड बिल रिसीवेबल कितना है, डेटर एंड बिल रिसी डेटर है. आई एम लुकिंग इन टू द क्वेश्चन एंड डायरेक्टली राइटिंग हियर. इट इज 110,000 प्लस 190,000 और बिल रिसीवेबल है, 90,000 प्लस 20,000. तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 lakhs. और ये दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 110,000. और दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 410,000. तो यहाँ पे लिखेंगे 410,000 और इसके साथ हमारा असेट साइड इज ऑल्सो डन. सो यहाँ पे वी विल राइट द टोटल. चेक वॉट टोटल यू आर गेटिंग ऑफ द बैलेंस शीट, 17,60,000. वी आर गेटिंग 17,60,000. विद दिस दिस सम इज डन. थैंक यू वेरी मच एवरी वन.